नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि संक्रांति किसे कहते हैं और मेष संक्रांति के दिन हम क्या क्या उपाय करें। जो जो राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उसकी संक्रांति होती है। जैसे मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 अप्रैल को, तो मेष की संक्रांति है। उसी तरह एक महीने के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि की संक्रांति है। इस तरह से हमें एक साल में 12 संक्रांति प्राप्त होती है। 2022 में मेष की संक्रांति 14 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। यह सुबह में 5:57 से प्रारंभ होगी और दोपहर में 1:12 पर समाप्त होगी। मेष संक्रांति के दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें और सूर्य को जल प्रदान करें। उसके बाद से सूर्य से संबंधित सामग्री को दान करें, किसी जरूरतमंद को दान करें या किसी मंदिर में दान करें। सूर्य से संबंधित सामग्री जैसे तांबा, गुड़, गेहूं, लाल चंदन, लाल कपड़ा, ये सारी सामग्री सूर्य से संबंधित हैं। इसको दान करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं और सूर्य से संबंधित सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। मेष की संक्रांति के 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद का समय बहुत ही पुण्यकाल माना जाता है। मेष की संक्रांति को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी बिहार में इसे सतुआन के नाम से जाने जाते हैं, तो ओडिशा में इसे पणा संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। संक्रांति के दिन सूर्य की आराधना करना, सूर्य के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सूर्य से संबंधित सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को यश और धन का लाभ होता है। संक्रांति के दिन से ही खरमास समाप्त हो जाता है और सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, जितने भी शुभ कार्य हैं सभी प्रारंभ हो जाते हैं। मेष संक्रांति की जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।